हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन टाइप एंड वर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये कब आया था? एसएससी सीपीओ 2009 में आया था। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। इफ ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज देन सी कैन डू इट बाई हिमसेल्फ इन कितना दिन में। अब देखो, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन, ए बी और सी निकाले थे। बी इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन सी, मतलब सी के दो कम दिन में काम कर लेगा। तो एक, अगर सी एक दिन में करता है तो बी कितना दिन में करेगा? सर एक्स बटा टू। तो ए कितना दिन में करेगा? सर उससे भी दो दिन कम, दो गुना कम दिन में। तो एक्स बटा फोर हो जा रहा है, दो से डिवाइड कर रहा है, तो इसको क्या करता है, चार से गुना कर देता है। तो कितना हो जाएगा? टू एक्स फोर एक्स। तो समझो, अगर ए बी से दुगुना एफिशिएंट है, मतलब उसका दो भाग कम दिन में काम करेगा, मतलब बी का दो दिन दोगुना दिन ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर ए एक्स दिन में काम करता है तो बी को टू एक्स डे में लग जाएगा। ठीक है, तीनों ने मिलके ए बी कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो ए और बी मिलके एक साथ कितना दिन में करता है? सर 4 डेज में। तो एक्स इंटू टू एक्स बाई एक्स प्लस टू एक्स, मतलब 3x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो एक्स एक्स हटाओ तो दो दुना चार, तो इधर एक्स इक्वल्स टू 3 टू जो 6 डेज में। अब सर एक से अगर 6 दिन मिल गया तो सी कितना दिन में करता है? सर 4x डे में। तो कितना हो जा रहा है? सर 4 इंटू 6, तो 6 चौके 24 दिन में सी खत्म करेगा खुद से काम। तो सी कैन डू इट बाई हिमसेल्फ इन 24 डेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।